सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, मतलब जो एक हमारे साथ में एक कल एक अच्छी चीज़ हुई नहीं कि हमें ILP नहीं मिला, बट मतलब होता ना कि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ अच्छे के लिए होती है और कुछ चीज़ बुरा भी, मतलब उसका भी एक मतलब पॉजिटिव व्यू भी होता है। तो हमारे साथ वही हुआ, हमें ILP नहीं मिली और हम लोग रास्ते में खाने खा रहे थे तो रास्ते में भाई से मुलाकात हुई और हम लोग पूछ रहे थे कहीं पर जगह मिल जाए गाँव में कैंप वैम्प के लिए। सो वो हमें यहाँ पर इन भाई की जगह पे हम यहाँ पे रुके। सो मैंने कल रात में बहुत बातें करी इनसे अबाउट असम कल्चर, भाई काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग जब आते हैं तो वो गुवाहाटी तक में रुक जाते हैं, गुवाहाटी रुकेंगे वहाँ पे बस थोड़ा बहुत फ़न करेंगे, उसके बाद एक ही प्लेस है, कौन सा था वो गुवाहाटी में, काशीगंगा। हाँ काशीगंगा ना, चांदूबी है, हाँ काशीगंगा, काशीगंगा लोग वहीं जाते हैं। बट ये जो प्लेस है भाई, हम लोग अनएक्सपेक्टेड मतलब यहाँ पे पहुँचे हैं तेजपुर। भाई इतनी फाड़ जगह है, मतलब यहाँ पे मतलब लोगों को आना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए कि टूरिस्ट यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों के बारे में जाने। आप जैसे देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ का असम का ये इसे क्या बोलते हैं, गामुछा, गामुछा, और इस चीज़ को ये जो ऊपर है अरनाए, इसे अरनाए बोलते हैं। जैसे कि हर एक कल्चर में लोग अपने एक सर के ताज की तरह इसे आप ट्रीट कर सकते हो कि ये सर का एक ताज होता है। इसको ना ये पैरों पे आने देते हैं ना इसे कहीं पे और नहीं, जैसे कि एक ज़माने में राजा होता था ना, उसके लिए ये मतलब अपना ताज होता था, उसका सब कुछ यही होता था। तो उसी तरह यहाँ के असम के लोगों का ये एक ट्रेडिशनल मतलब सर पे बांधने के लिए, जैसे कि हरियाणा में बांधते हैं लोग, पंजाब में पगड़ी बांधते हैं लोग, वैसे यहाँ का है। ये काफ़ी अच्छा है और मतलब आप देख सकते हो एक लुक दिख रहा है इनका, मतलब एक उनका मतलब ट्रेडिशनल वे है वो दिख रहा है काफ़ी अच्छा। सो यहाँ के बारे में मैंने पता करा, यहाँ पे तीन त्यौहार होते हैं जो कि एक होता है जनवरी में, क्या नाम था त्यौहार का, माघ बिहू। सो भाई इसके बारे में बताएंगे। यहाँ का एक बहुत बहुत मतलब मानने वाला मतलब वो होता है त्यौहार, जैसे कि बिहारियों के लिए छठ हो गया, हिंदुओं के लिए दिवाली हो गई, वैसे इन त्यौहार के लिए आसामी के लिए बिहू होता है, बिहू। हाँ हम लोग का तीन बिहू होता है। हाँ हाँ माघ बिहू बोल के होता है, वो जनवरी में होता है। हाँ बोहाग बिहू होता है जिसमें फेस्टिवल जैसे आपका फंक्शन होता है, हम लोग का सेलिब्रेशन होता है उसमें अप्रैल में होता है वो। और काटी बिहू बोल के है जिसमें हम लोग जो खेत होता है धान वान ये सब जो काटता है, हाँ जी उसी टाइम में हम लोग काटी बिहू भी सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग का तीन बिहू है, तो ये तीनों बिहू हम लोग का आसामी इसका मेन चीज हम लोग का बिहू ही है। जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे तीन टाइम मतलब यहाँ पे आसाम में व्यू को एंजॉय किया जाता है, जो त्यौहार है जो पहला व्यू आता है कब आता है वो माघ बिहू होता है, उसमें हम लोग आसामी में भुगाली बिहू बोलते हैं क्योंकि उस टाइम में हम लोग का खाना पीना ये सब होता है, वो जनवरी में होता है, जनवरी का उसमें वो खाना पीना खाते हैं और वो जो गेहूं की फसल होती है उसे फसल का जो मतलब होता है उससे वो पूरा घर बनाते हैं, घर बनाते हैं उसमें बिहू घर बोलते हैं, बिहू घर बोलते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड वीडियो में देख रहे होगे उसको, फिर मतलब वहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं और उसके बाद उसे जला देते हैं। और जलाने की परंपरा क्या है, जलाने की जो परंपरा होती है पहले वाला दिन हम लोग वो बिहू घर को हम लोग मतलब प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ उसकी पूजा करके उसको मतलब जैसे आग होता है उस दिन के बाद में आग का मतलब तेवर बदलता है बोलते हैं, इसी वजह से हम लोग उनको पूजा करके बिहू घर को जलाते हैं ताकि मतलब वो हो सके, मतलब सुखी शांति ऐसा कुछ, सुखी शांति कुछ मतलब ऐसा मतलब। और सेकंड बिहू हमारा होता है अप्रैल में, वो पूरा महीना चलता है ना, वो हो गया बोहाग बिहू बोल के हम लोग, बोहाग बिहू। हाँ वो ये होता है जैसे भोगाली बिहू जैसे माघ बिहू बोल रहे हैं हम लोग, हाँ जी हाँ जी, उसमें हम लोग खाना वीना खाता है। और ये जो बोहाग बिहू हो गया उसमें हम लोग का बिहू डांस ये सब होता है, हम लोग का प्रोग्राम होता है जैसे फंक्शन ये सब होता है, इसी में हम लोग का बोहाग बिहू आता है। उसमें भी बहुत सारा है, एक वीडियो में या एक चीज़ में हम लोग वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ें अंदर में मतलब वो कल्चर एक मतलब ट्रेडिशनल वे में पूरे त्यौहार को मनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये पूरे महीने में जाता ना ये वाला ही, हाँ ये पूरा महीना चलता है। और थर्ड वाला सिर्फ एक ही दिन में होता है, एक ही दिन, हाँ हाँ, उसमें हम लोग पूजा करते हैं काफी काटी अक्टूबर में, अक्टूबर में नहीं आता यार, कभी भी आता होगा काटी भी हो तो सितंबर में, अक्टूबर के बीच में ना, सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है, वो सिर्फ एक दिन का होता है। और सबसे बड़ा वाला जो होता है इनका जो अपने जनवरी वाला ना, जनवरी वाला वो मतलब काफी बड़ा इनका मतलब होता है, जनवरी में ना दिस इज द फेस्टिव सीजन ऑफ असम। ओके। और एक चीज और है, जब ये त्यौहार मनाया जाता है सो यहाँ पे जो वुमेन है या मेल है
वो एक अलग मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं और वो डांस वांस करते हैं, जो उनके ढोल होते हैं वो भी काफी वो अलग होते हैं। बैसाख में होता है, बैसाख में ना, बैसाख के बाद मतलब फर्स्ट वाले में बोहाग बिहू में होता है। अच्छा, बसंत, बसंत में हाँ, तो वो में? पूरा ऐसे ये कपड़े पहन के हाँ, और एक धोती टाइप का कुछ होता है ना, हाँ, धोती हाँ, टाइप का, और ऊपर से उस ऊपर क्या होता है कुर्ता हाँ, और ये इस तरह से पग बांध के और एक ये ऐसे डाल के, और जो औरतें होती है वो कुछ वाइट साड़ी और ऊपर ना वैसा कुछ होता है डिजाइन, साइड साइड में डिजाइन से बना हुआ था, मैंने कल वीडियो में देखी थी, आप भी साइड राइट साइड में देख सकते हो। त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी अच्छा कल्चर है। आप भी यहाँ पे आइए, यहाँ से लोगों से मिलिए और यहाँ के कल्चर के बारे में जानिए। जैसे आपको भाई ने डेट बताया जनवरी में 14 तारीख को अभी ये मनाया जाएगा, अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आप इस टाइम पे ज़रूर यहाँ पे आके भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ये व्यू देखने का अच्छा एक मौका मिल सकता है, लोगों को जानने का मौका मिल सकता है, आसाम के लोग कैसे हैं, वो लोग की थिंकिंग क्या है और वो क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं, क्या उनका मतलब पॉजिटिव भी होता है कि मतलब वो किसी न्यूज़ को देख के या कुछ भी, मतलब मेरे को तो भाई बहुत सही लगा। मैं काफ़ी देर से मतलब काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, भाई के काफ़ी दोस्त आए, कुछ बड़े भी कुछ अपने एज के भी, बट आउटस्टैंडिंग मतलब लोगों की सोच अलग ही है भाई, मस्त बंदे सब के सब, मतलब आप बात करोगे ना आपको लगेगा कि यार वी शुड हैव टू स्पेंड सम टाइम विद देम ऑल्सो। सो वो लोग कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे मिलाऊंगा आपको, बट उससे पहले एक और बात बताता हूँ, जो ये जगह है यहाँ की, ये जो जगह है इसके आसपास काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू है, जैसे ही देखो के लिए आप देख लो, ये यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है, और मेल नदी है ये, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, वीडियो में आपको मैंने पहले बताया था कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो कि एक ही पूरे इंडिया में मेल नदी है, बाकी सब यमुना गंगा फीमेल है। इसी जो कैंप है, इस कैंप से पास में जो मैंने आपको सुबह सुबह जगह दिखाई थी जहाँ पे शिव जी का वो था, क्या नाम है, पैर जो बताया था मैंने कि उनका रुद्रपद, वहाँ पे उनका पैर का छाप है वहाँ पे, जो मैंने आपको सुबह सुबह दिखाया था। ऊपर से फिर एक टेंपल और है उससे पहले वाला ना, क्या नाम था उसका, तिंगेश्वर, तिंगेश्वर टेंपल है, और फिर एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक रॉक है, मतलब वहाँ पे लास्ट ईयर मतलब गवर्नमेंट ने उसको रॉक इंस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, रॉक इंस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है वो। सो उसके पीछे ही मतलब कुछ वर्ड लिखे हुए जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया था, ये मतलब यहाँ इस कैंप के आसपास का व्यू है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ना, ये जो जगह है आपने यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारे पक्षी दिखेंगे, इस जगह पे सारे पक्षी देखेंगे सुबह सुबह, अगर आप आपकी आंखें खुल जाए तो, अगर नहीं खुले तो अलग बात है। ये पूरा व्यू देखो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। सो ये था यहाँ का मतलब एक आसाम का प्रेजेंटेशन कि आसाम क्या है, कौन से त्यौहार होते हैं, लैंग्वेज तो आपको पता ही सबको कि आसामी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, बट ये कल्चर है मतलब जो सबसे मैंने बड़े त्यौहार को मतलब इस वीडियो में ऐड किया है, बट आपने जैसे वीडियो में देखा भी होगा जो मतलब किस तरह से लोग इसे मनाते हैं। सो आप यहाँ पे आइए और आसाम की तरफ से धन्यवाद फ्रॉम माय साइड।